गाइस, कौन सा जानवर है जो दिन में यानी कि एक ही घंटा सोता है, उसका जीभ लंबे लंबे होते हैं, और विभिन्न प्रकार के जानकारियां इस वीडियो के है। वीडियो को छोड़कर नहीं जाए, वीडियो के अंत तक बने रहे। गाइस, जो जिराफ का यानी कि जिराफ का जीभ होता है वह कितने बड़े होता है, अपने जीभ से क्या क्या प्रक्रिया कर सकता है। जैसे कि हम लोगों के पास जीभ है, उस जीभ से आप अपने जीभ को कान के पास नहीं ले जा सकते हैं, इतने बड़े जीभ नहीं है। लेकिन जीभ का इतना बड़ा है यानी कि जिराफ का जीभ, जो कि अपने कानों के पास लेकर कान को पूर्ण रूप से साफ कर सकता है, नाक को साफ कर सकता है, और यह खुशी की बात है कि पूरे अपने चेहरे को पूर्ण रूप से साफ कर सकता है एक जीभ से। गाइस, मैं बताता हूँ कि सबसे कम सोने वाला कौन सा जानवर है, उस जानवर का क्या नाम है जो बहुत कम ही सोता है, और जानवर कितने देर तक सोता है। जी, मैं बताता हूँ कि जिराफ है, जो जिराफ है वह बहुत ही कम देर सोता है, लेकिन कितने देर, वह 24 घंटे में मात्र एक घंटा ही सोता है। आप कितने देर दिन में सोते हैं यार, 24 घंटे में आप मिलाकर मैं चार सेक्शन में लिख सकते हैं, और आपको सफल होना है तो आपको सोने का प्रक्रिया कम करना होगा। गाइस, कौन सा जानवर है, जीव जंतु है, जिसका जो गर्दन होता है यानी कि घेंट होता है, जैसे कि मनुष्य का जो घेंट है उससे यानी कि बहुत बड़े उसका गर्दन होता है। आप लोग कहेंगे कि एक ऐसा है जो कि राजस्थानी कहा जाता है जहाज, जिसे कहा जाता है कि ऊंट, उसका जो गर्दन है सबसे बड़े होते हैं, लेकिन नहीं, जानवरों में उनका उनसे भी बड़े हैं जिराफ का। जिराफ का जो गर्दन है वह सबसे बड़े होते हैं, ऊंट की अपेक्षा भी सबसे बड़े होते हैं। एक लोमड़ी का, स्वस्थ लोमड़ी का कितना वजन होता है, आप लोग लोमड़ी को क्या देखे हुए हैं, आप उनका आवाज कभी सुने हुए हैं, अगर आपको यहाँ सुनने का मिले तो आप गांव देहात में देखिएगा, बहुत आवाज आता है लोमड़ी का, कुत्ते की तरह रोने की आवाज। उनका वजन, एक स्वस्थ लोमड़ी का वजन है, फॉक्स का वजन 14 पाउंड यानी कि 1 पाउंड होता है लगभग 400 ग्राम के करीब, यानी कि 6 kg के करीब होता है एक स्वस्थ लोमड़ी का वजन। गाइस, क्या एक ऐसा शेर ही है जो कि वह दहाड़ लगा सकता है, यानी कि बहुत अधिक आवाज लगा सकता है, उसके यानी कि उसके जैसा कोई ऐसा जीव जंतु नहीं है जो दहाड़ लगा सकता है। आप लगेंगे हाथी, हाथी तो है, लेकिन पक्षी में एक ऐसा है जो कि शुतुरमुर्ग, जो कि शेर को भी पछाड़ सकता है अपने अगर आवाज लगा रहे तो, जो बड़े बड़े शुतुरमुर्ग होते हैं जिनका 2 kg का अंडा होता है। गाइज, मैं आपको बताता हूँ कि क्या आपके पास भी डॉग होंगे, कुत्ते होंगे, और गांव देहातों में भी डॉग होंगे, शहरों में भी डॉग कुत्ते होंगे, लेकिन सबसे खतरनाक कुत्ता कौन सा है, जो कहां पर है, जो कि दुनिया का खतरनाक कुत्ता कहा जाता है, जो कि अफगान में है। अफगान में कुत्ते हैं जो कि हॉन्डस कुत्ते हैं, जो कि अफगानिस्तान में वह सबसे खतरनाक यानी कि दुनिया पृथ्वी का सबसे खतरनाक कुत्ते कहा जाता है। गाय, जो तोते होते हैं वह बहुत स्पीड से उड़ते हैं, लेकिन उस स्पीड को एक जानवर है जो कि कम कर देता है, यानी कि तोते जितना भी ताकत क्यों ना लगा ले वह उड़ने में, लेकिन वह जानवर होकर उसको हरा देता है। तोते को उड़ता है और जानवर नीचे चलकर उसको हराता है दौड़ का। वह बाघ यानी कि टाइगर है जो तोते को उड़ते हुए भी हराता है, टाइगर। गाइस, कौन सा फल है जिसको आपको देखने के बाद मुंह में पानी आता है, आप लोग कहेंगे आम, सेम, संतरा, अमरूद, इस प्रकार के फल, लेकिन आप यह नाम सुनकर चौंक गएंगे। बचपनों में अगर आप इमली के पेड़, इमली के पास जाकर कितने बार इमली खाए, 4 सेक्शन लिखे, इमली ही है जो कि आपको देखने के बाद लगता है कि इमली को उठाकर तुरंत ही खा जाए, जो कि खटास होता है। आप एक बार 4 सेक्शन लिखे कितने बार, अगर आपको वजन घटाना है तो आप एक फल को खा सकते हैं, उस फल को खाने के बाद आपका वजन यानी कि घटने का प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा। आप फल भी खा रहे हैं, वजन भी घटा रहे हैं। जी हाँ, किस फल को, अगर आप रोजाना के रोजाना प्रति डे अंगूर खा रहे हैं, ग्राप्स को, तो आप हो जाएगा। आप फल भी खा रहे हैं, वजन भी घटा रहे हैं। जी हाँ, किस फल को, अगर आप रोजाना के रोजाना प्रति डे अंगूर खा रहे हैं, ग्राप्स को, तो आपका वजन घटने की संभावना अधिक है, जो कि कुछ ही दिनों में 1.5 kg यानी कि 1 kg 500 ग्राम आम का वजन तुरंत ही। एक सेब का जो पेड़ है वह कितने एक पेड़ पर सेब फर सकते हैं, आप लोग कहेंगे यह क्या सवाल हुआ, जो कि कितना चाहे उतना फर सकते हैं, लेकिन नहीं, सेब का लिमिट है फरना, वह कितना है, वह एक पेड़ पर सबसे अधिक रिसर्च किया गया है कि
400 यानी कि 400 सेव से अधिक सेव नहीं फल सकते हैं। आपको अगर विश्वास नहीं है तो सेब के पेड़ पर जाकर एक बार आप इसे देख सकते हैं कितना है। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।